हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के अंदर में छिपा के रखा है। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है मेरे प्रियजनों, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा जो अंत है मेरे प्रियजनों, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है। परमेश्वर ने हम सभी से बहुत प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने साबित करके दिखा दिया कि उसने हम सभी से कितना प्रेम किया। उसने अपनी जान देके साबित करके दिखा दिया मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। यीशु मसीह जानता है हम सभी को क्या चाहिए। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैंने तेरे निश्चय, तेरे रोगों को, तेरे दुखों को मैंने उठा लिया है, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, उसको 39 कोड़े लगवाए गए, उसके सिर के ऊपर काटू का ताज पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको सिरका पिलाया गया, उसके वो भाला मारा गया मेरे प्रियजनों। सिर्फ हमारे कारण, हमारे पापों के कारण जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और वह कलवरी क्रूस पे चढ़ गया हमारा परमेश्वर और बलिदान हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ जीवित परमेश्वर मेरे पिता। जिस प्रकार से वह जीवित हुआ है, उसी प्रकार से वह हम सभी को भी जिलाएगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा मेरे प्रियजन। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो करुणा निधि परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं सिर्फ आदेश दूंगा और तेरे जीवन से वे समस्याएँ, वे बीमारियाँ, वे गरीबी, वो बंधन टूट जाएंगे, आजाद हो जाएंगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो करुणा निधान परमेश्वर मेरे प्रियजनों। ठीक है, यदि आपके जीवन में हर एक रुकावट के बंधन है, हर एक कराधरा के बंधन है, हर एक सैतान की ओर से बंधन है, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है और यीशु मसीह से बोलना है, अपने मुंह से उन बंधनों को तोड़ना है, जलाना है, नष्ट करना है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, उनकी औकात नहीं आपके सामने खड़े रह सकें, पिता के सामने खड़े रह सकें मेरे प्रियजनों। ठीक है, हम सभी को यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, पिता में बने रहना है। अरे, हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगा, हमारे जीवन में हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे संकट से, बीमारी से, महामारी की बहेलियों की जाल से बचाऊंगा, मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तुझे हाथ पकड़ कर चलाऊंगा, उसी मार्ग पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियजन, आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यदि किसी बात को लेकर चिंतित हैं, उदास हैं, यदि अपनी शादी को लेकर टूट चुके हैं, तो आज आपको रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है, यीशु मसीह से बताना है, परमेश्वर से बताना है, परमेश्वर से बोलना है, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मेरे शादी का रिश्ता नहीं पाए, मैं इधर उधर ताक झाक में ना लग रहने पाऊँ, यीशु मसीह से बोलना है और शैतान के बंधनों को तोड़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य से। ठीक है,
इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं, मेरे पिता आप दयालु हैं, मेरे पिता आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु पापा, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, पिता संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अंदर में छिपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते मेरे परमेश्वर पिता। पिता कितने मनुष्य होंगे पिता, आने जाते लोग होंगे पिता मेरे प्रभु जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी का मेरे पिता नाम लेके बुलाया, उद्धार कर दिया, छुटकारा कर दिया, एक नया जीवन दिया है प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है मेरे पिता, आपने कहा है मैंने तुझे तुझी ही को पुकारा है, तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है मेरे प्रभु। आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखने वाला परमेश्वर पिता, आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूँगा मेरे पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई अपने मोबाइल पे सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे स्वामी, आपके दास होने के नाते मेरे परमेश्वर यीशु पिता, इनके जीवन में हम यीशु मसीह आदेश देते मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता जो खाट पे पड़े, जो बेड पे पड़े, जो आखिरी सांस ले रहे पिता, जो रो रहे, बिलक रहे, चिल्ला रहे, जिन आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से इन्हें कैंसर, गिल्टी, रसौलिया, पथरिया, हर प्रकार की बीमारियों में लिपते पिता मेरे प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता आप इन्हें चंगाई दीजिए पिता, ये आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, आजाद हो जाओ, रसीव करो चंगाई यीशु मसीह के नाम से, अमीन बोलकर आजाद हो जाओ, अमीन बोलकर आजाद हो जाओ, अमीन बोलकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने वाले नहीं है मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर पिता ये अन्य जातियों से भी मांग रहे, उधार ले रहे पिता, ये उधर उधर उधार ना ले नहीं पाए मेरे पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु पापा आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता वो आशीषों के बंधन पिता खुल जाएं, हर रुकावट के बंधन खुल जाएं पिता परमेश्वर पिता, हर एक शैतान की ओर के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता के घरों के ऊपर पिता आशीष उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी गरीबी दूर होने पाए, इनका रोना बिलखना चिल्लाना खुशी में आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, हंसी में बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे पिता। मेरे प्रभु जो हम सभी मसीह भाई बहनों से यीशु पापा पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे पिता, यीशु मसीह आप माफ करे पिता, आप क्षमा करे पिता, क्योंकि मेरे पिता मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, हम सभी पाप गलती गुनाह में गिर सकते हैं, व्यभिचार में गिर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, पाप हो सकता है पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती पिता, आपके पास अधिकार पिता कि आप इन सभी के अपराधों को गुनाहों को क्षमा कर सकते पिता, आपने लहू से शुद्ध करे पिता, पवित्र करे पिता। मेरे पिता जिस प्रकार से आप पवित्र है पिता उसी प्रकार से यीशु मसीह हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके पिता, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके पिता मेरे प्रभु, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हैं वह जगह पवित्र है पिता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे पिता, आप अपने लहू से शुद्ध करें, लहू से शुद्ध करें मेरे पिता, पवित्र करें मेरे पिता परमेश्वर,
प्रभु ने कहा है जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। पिता परमेश्वर यीशु पापा अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को गुनाहों को माफ कर दे पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता भय लगता गंदे सपने ख्याल विचार आता है प्रभु, जब लेटे यीशु पापा तब इन सुख की नींद आने पाए पिता, अपने वचनों की दरिंद की सहायता करिए मदद करिए। जैसा कि पिता अपने वचन में कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना यीशु पिता। मुझे आशा विश्वास है यीशु पिता आपने प्राणों को सुना है, छोटी सी मिति उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।